भी कर सकते हो। ये आ रहा है इसमें। हाय गाइस, हमारा पिछला लेक्चर जर्नल एंट्रीज़ के एमसीक्यू पर बेस्ड था। नाउ वी विल डिस्कस द एमसीक्यूज़ ऑफ लेजर। और क्वेश्चन नंबर 1 इज लेजर इज़ द डैश बुक ऑफ अकाउंट। लेजर इज़ द डैश बुक ऑफ अकाउंट। देखिए, लेजर इज़ द वर्ड, याद रखना आपने, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। लेकिन लेजर जो रिकॉर्ड करती है वो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करती है। जब वो रिकॉर्ड की बात करेगा तो वो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर रही है, लेकिन अगर वो बुक की बात करे तो ये प्रिंसिपल बुक कहलाई जाती है। ये दोनों चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। हेंस वी कंक्लूड हेयर कि लेजर इज़ द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। तो ओरिजिनल बुक तो हमने पढ़ा था, जर्नल एंट्री होता है। नेक्स्ट करेंगे, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर इज कॉल्ड। जब जर्नल से हम लेजर में एंट्री ट्रांसफर करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज़ पोस्टिंग। सी डी मीन्स एंड बी डी मीन्स। सी डी मीन्स कैरिड डाउन, बी डी मीन्स ब्रॉड डाउन। तो योर आंसर इज ए पार्ट, कैरिड डाउन एंड ब्रॉड डाउन। सी एफ एंड बी एफ का कैरिड फॉरवर्ड एंड ब्रॉड फॉरवर्ड। The column of ledger which links the entry with journal is called। कौन सा ledger, column ledger का journal के साथ link करता है। अब link कहाँ से हो रहा है, ledger to journal। It means ledger के अंदर कौन सा column लिखा जाता है, that is our journal folio। Putting on the credit side of an account is writing as। मीन्स इसका कहने का ये है कि ये अकाउंट है, इसके क्रेडिट साइड पे जब आप एंट्री लिखते हैं तो दिस साइड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय बाय एंड दिस साइड इज़ रिप्रेजेंटेड बाय टू। तो क्रेडिट साइड किससे रिप्रेजेंट होती है, बाय से। आंसर इज सी। नॉमिनल अकाउंट हैविंग डेबिट बैलेंस रिप्रेजेंट। ऑब्वियस ही बात है, नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू बी डेबिटेड। देखिए, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट देखना है, तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बी इज योर राइट आंसर। क्रेडिट बैलेंस ऑफ बैंक अकाउंट इंडिकेट्स। ये बैंक अकाउंट है और क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस किसका होता है, दैट इज़ योर लाइबिलिटी। इट मीन्स आपने बैंक के पैसे देने हैं। अकाउंट पेएबल टू बैंक, बी इज योर राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट्स विल invariably have a debit balance। इनमें से किस खाते का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, आप खुद देखिए। अभी 2 मिनट पहले पढ़ा, बैंक अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है हमने बैंक के पैसे देने हो। ये पेएबल है, लाइबिलिटी है, इसका तो क्रेडिट ही होगा। अकाउंट रिसीवेबल्स मीन डेटर, डेटर ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, देन ए इज योर राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज इंक्रीज बाय क्रेडिट एंट्री। क्रेडिट की एंट्री से कौन सी एंट्री बढ़ती है, दैट मीन्स लाइबिलिटी, या आप कह सकते हैं इनकम्स, गेन्स। तो देखते हैं, बात करते हैं। सेल रिटर्न, सेल हमारी क्रेडिट होती है लेकिन रिटर्न हमेशा डेबिट होती है। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी है तो ये आंसर होगा। गुडविल एसेट है, इसका भी डेबिट होगा, ये नहीं हो सकता। और लास्ट की बात करें, परचेज ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंस, हैंस बैंक ओवरड्राफ्ट इज योर राइट आंसर। The process of finding the net balance of an account from the total of the both debit and credit is known as balancing. That is balancing of an account. Ledger is also known as, कौन सी बुक कहा जाता है। देखो, अगर बात कर रहे हैं हम रिकॉर्डिंग की, तो वो सेकेंडरी एंट्री रिकॉर्ड करती है, सेकेंडरी एंट्री रिकॉर्ड करती है। लेकिन बुक की बात करें तो वो प्रिंसिपल बुक मानी जाती है। नेक्स्ट कहता है, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर रियल एंड पर्सनल अकाउंट आर। मैंने आपको पीछे भी डिस्कस करवाया इस बारे में, पर्सनल अकाउंट और रियल अकाउंट के जो बैलेंसेस होते हैं, लास्ट में जो हम बैलेंसेस निकालते हैं, वो बैलेंसेस हम कहाँ डालते हैं, बैलेंस शीट के अंदर, इन द नेम ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटीज़। अगर किसी के देने हैं पैसे तो यहाँ आ जाएंगे, मेरे एसेट्स हैं रियल अकाउंट में जितने भी हैं वो सारे यहाँ पर आ जाएंगे। अगर किसी से पैसे लेने हैं वो भी मेरे एसेट्स हैं, दैट इज ऑल्सो कम टू द बैलेंस शीट। तो कहता है, एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर रियल एंड पर्सनल अकाउंट आर ट्रांसफर टू बैलेंस शीट। तो कहता है, नॉट बैलेंस्ड, बैलेंस तो करना ही है,
बैलेंस बट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस, नो प्रॉफिट एंड लॉस में तो इनकम एक्सपेंसेस जाती हैं, नॉट बैलेंस्ड एंड देयर बैलेंसेज आर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस तो करना ही है, इट मीन्स बैलेंस एंड ट्रांसफर टू द बैलेंस शीट, डी इज योर राइट आंसर। वैन कैश बुक इज मेंटेन्ड देयर इज नो नीड टू मेंटेन डैश अकाउंट द लेजर, तो ऑब्वियस है जब कैश बुक अलग से बना दी तो कैश का खाता बनाने की जरूरत नहीं, ए इज योर राइट आंसर। वॉट इज इंडिकेटेड बाय अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ द पर्सनल अकाउंट, वॉट इज इंडिकेटेड बाय अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ अ पर्सनल अकाउंट, देखिए पर्सनल अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, इट मीन्स क्रेडिट बैलेंस होगा तो लाइबिलिटी होगी, मैंने पैसे देने हैं, इट मीन्स अमाउंट पेएबल है। विच आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ द अकाउंट्स आर मेंटेन्ड इन द लेजर, लेजर के अंदर कौन से अकाउंट मेंटेन होते हैं, विच आर द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अकाउंट आर मेंटेन इन लेजर, रियल नॉमिनल पर्सनल, तीनों ही होते हैं, येस डी इज द राइट आंसर। एनालिसिस ऑफ अ ट्रांजेक्शन इन द टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इज रिक्वायर्ड फॉर, ध्यान दीजिएगा एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन इन द टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, एनालिसिस हम डेबिट क्रेडिट की फॉर्म में कर रहे हैं, तो डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में एनालिसिस किस में करते हैं, दैट इज जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज में देखते हैं ये खाता डेबिट होगा ये खाता क्रेडिट होगा, दैट मीन्स एनालिसिस ऑफ ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इज रिक्वायर्ड फॉर जर्नलाइजिंग। इफ़ द टोटल ऑफ द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट एक्सीड द टोटल ऑफ इट्स क्रेडिट साइड, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, ये डेबिट साइड है सपोज 1000 की और क्रेडिट साइड है 800 रुपये की, इट मीन्स 200 से डेबिट साइड बड़ी है, ध्यान दीजिएगा, इफ़ द टोटल ऑफ द डेबिट साइड ऑफ अकाउंट एक्सीड द टोटल ऑफ इट्स क्रेडिट साइड, तो डेबिट साइड अगर 200 से बड़ी है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है डेबिट बैलेंस, आंसर इज सी, देखिए इसमें करेक्शन है, आपका आंसर यहाँ पे बनेगा सी, बी कब होगा, बी कब होगा ध्यान दीजिएगा, बी कब होगा, नील बैलेंस कब होगा, जब डेबिट इज इक्वल्स टू क्रेडिट होगा तो नील बैलेंस होगा, ये भी एग्जांपल आगे आएगी कि जब डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे के बराबर होंगे तो आंसर मस्ट बी नील, लेकिन यहाँ पर डेबिट अगर एक्सीड है तो ऑब्वियस बैलेंस मस्ट बी डेबिट। द अमाउंट बॉट इन टू द बिजनेस बाय द प्रोपराइटर शुड बी क्रेडिटेड टू, जब बिजनेस में पैसा लगाया जाता है ओनर के द्वारा तो उसको कैपिटल कहते हैं, तो कैपिटल को क्रेडिट होगा। अ लेजर इज कॉल्ड अ बुक ऑफ डैश एंट्री, देखिए अब बात कर रहा है वो बुक ऑफ डैश एंट्री, तो कौन सी एंट्री, सेकेंडरी एंट्री, ऑल यहाँ पे अली लिखा हुआ है, दिस इज नॉट अली दिस इज ऑल, ऑल अकाउंट्स ऑफ क्रेडिट कस्टमर्स आर कैप्ट इन द डैश लेजर, ऑल अकाउंट्स ऑफ क्रेडिट कस्टमर, क्रेडिट कस्टमर कौन से होते हैं, डेटर्स, डेटर्स को हम क्या कहते हैं, अकाउंट रिसीवेबल्स भी कहते हैं, तो हियर इज द डेटर सी इज योर राइट आंसर। ऑफिस फर्नीचर सोल्ड टू मोहन ऑन क्रेडिट, मोहन अकाउंट विल बी कैप्ट इन द डैश लेजर, किस में जाएगा, ऑब्वियसली बात है मैंने फर्नीचर खरीदा, यस सोल्ड किया तो मोहन खरीद रहा है, मोहन रिसीवर, मोहन अकाउंट डीआर टू फर्नीचर अकाउंट, अब मोहन का खाता किस में जाएगा, क्या मोहन परचेजर है, मोहन सेलर है, क्या है, ऑब्वियसली बात है हमने सेल किया उधार पर मोहन को, लेकिन यहाँ मोहन डेटर नहीं बन रहा, क्यों, डेटर वो होते हैं जिनको हम गुड्स उधार पर बेचते हैं ना कि एसेट, इट मीन्स यहाँ पर मोहन वेंडर कहलाया जाता है। अब ये जो मोहन है, अब ये मोहन कौन से अकाउंट में जाएगा, वेंडर का तो कोई खाता होता नहीं है, इट मीन्स ये जर्नल अकाउंट में चला जाएगा, आंसर इज योर सी। ऑल अकाउंट ऑफ सप्लायर आर कैप्ट इन द डैश लेजर, सप्लायर कौन होते हैं, क्रेडिटर्स, तो ये क्रेडिटर अकाउंट में जाएगा। When the total of the debit and credit are equal, वही example जो मैंने पीछे आपसे discuss की, जब debit और credit equal होंगे तो balance क्या आएगा, That is nil, B answer. The left hand side of an account is known as dash and the right hand side of account is known as, obvious है left hand side debit होती है और right hand side credit, answer is A part. Credit balance means dash is heavier than dash, credit balance का मतलब है कि कौन सी साइड बड़ी है देन दूसरी की, ऑब्वियस क्रेडिट साइड इज हैवियर देन डेबिट, तभी तो क्रेडिट निकलेगा ना, अगर मेरा क्रेडिट 1000 का है, क्रेडिट 1000 है, डेबिट 800 का है, तभी तो बैलेंस मेरा कौन सा निकलेगा, क्रेडिट, अगर हैवियर क्रेडिट होगी तो मुझे कौन सा बैलेंस निकालना है, क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस मीन्स डैश इज हैवियर, तो दैट मीन्स क्रेडिट इज हैवियर देन डेबिट बैलेंस, क्रेडिट टोटल इज हैवियर देन डेबिट टोटल, बी इज द राइट आंसर। रियल अकाउंट कैन नॉट हैव डैश बैलेंस, रियल अकाउंट मेरे क्या होते हैं, एसेट्स, एसेट ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, लेकिन उन्होंने बोला नॉट हैव अ क्रेडिट बैलेंस।
अकाउंट हैविंग डेबिट बैलेंस इज क्लोज्ड बाय राइटिंग, जिनका डेबिट बैलेंस होता है, अब इसको ध्यान दीजिएगा, इस ये ऐसे अकाउंट बनता है हमारा लेजर। अगर आपने मेरी क्लास ली होगी तो लेजर अकाउंट्स में मैंने आपको सिखाया है कि अगर आपकी डेबिट साइड पे सपोज 2000 की एंट्री है और क्रेडिट साइड पे 1000 की एंट्री है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2000 है, यहाँ पर 1000 है, आंसर आपका डेबिट बैलेंस आ रहा है क्योंकि ज़्यादा आपका कौन सा है, डेबिट है। लेकिन बैलेंसिंग करने के लिए आपको कौन सी साइड पर मेंशन करना है, क्रेडिट साइड पर। लिखना क्या है क्रेडिट साइड को, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। तो बाय बैलेंस कैरी डाउन इज योर राइट आंसर। लेकिन ध्यान इसमें देने वाला ये है, इस कॉन्सेप्ट में तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि आपके पास कैरी डाउन वाला एक ही ऑप्शन है, दैट इज़ बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो अगर आप क्लोजिंग की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स क्लोजिंग की बात कर रहे हैं, तो क्लोजिंग आपकी हमेशा और हमेशा किससे रिप्रेजेंट होती है, कैरी डाउन से रिप्रेजेंट होती है। इसलिए इस क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में। कहता है एलएफ कॉलम इन द जर्नल इज फिल्ड एट द टाइम ऑफ व्हाट, जर्नल के अंदर ये पहले भी डिस्कस हुआ है, पोस्टिंग के टाइम पर होता है हमारा। पोस्टिंग ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट इज रिटन एज, देखिए अब ये क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट है, ये डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट है। जब हम इस साइड क्रेडिट साइड पे पोस्ट करेंगे तो किससे पोस्ट करेंगे, बाय से, दैट मीन्स बाय इज योर राइट आंसर। नॉमिनल अकाउंट हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस रिप्रेजेंट, नॉमिनल अकाउंट हैविंग अ क्रेडिट बैलेंस रिप्रेजेंट। अब मुझे बताओ नॉमिनल अकाउंट में दो ही चीज़ें पढ़ी हैं आपने, इनकम एंड एक्सपेंस, इनकम एंड ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्या होते हैं हमारे, डेबिटेड, और इनकम्स एंड गेंस क्या होती हैं हमारी, क्रेडिटेड। हेंस इनकम्स एंड गेंस क्या होंगी, क्रेडिटेड। रियल अकाउंट्स ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, एसेट का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। अकाउंट हैविंग क्रेडिट बैलेंस इज क्लोज्ड बाय राइटिंग, अब ध्यान दीजिए अब उल्टा आ गया, अब कौन सा बैलेंस दिया गया, क्रेडिट बैलेंस, इट मीन्स इधर 2000 होगा इधर 1000 होगा, बैलेंस करने के लिए 1000 डालेंगे, दिस साइड को रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये बात ध्यान रखेंगे कि जब भी बैलेंस को क्लोज करने की बात आती है, बैलेंस की बात आती है और क्लोज करने की बात आती है, हमेशा ओपोजिट साइड वाली एंट्री लिखी जाती है। ओपोजिट साइड एंट्री मतलब अगर क्रेडिट का बैलेंस है, इट मींस बैलेंस कौन सी साइड लिखना है, डेबिट साइड। तो टू बैलेंस कैरिड डाउन, अब ब्रॉड डाउन तो हो नहीं सकता क्योंकि क्लोजिंग की बात कर रहा है, कैरिड डाउन दो हैं, अब टू वाला आएगा या बाय वाला, तो मैंने आपको बताया है क्रेडिट वाले बैलेंस की बात करेगा तो ओपोजिट साइड लिखा जाता है, दैट मीन्स टू बैलेंस कैरी डाउन इज योर राइट आंसर। परचेज रिटर्न अकाउंट ऑलवेज शोज अ बैलेंस, जब आप परचेज रिटर्न करेंगे, परचेज का बैलेंस क्या होता है, डेबिट, तो परचेज रिटर्न पूरा करेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा, क्रेडिट, दैट ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। डिस्काउंट रिसीव्ड इनकम है तो इनकम का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है तो एक्सपेंस का बैलेंस क्या होता है, ओनली डेबिट। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अकाउंट्स नॉर्मली हैव अ क्रेडिट बैलेंस, एसेट का बैलेंस क्रेडिट होता है, नहीं डेबिट होता है ना एसेट्स, तो इसलिए ए नहीं हो सकता। रेवेन्यू मतलब सेल, यस क्रेडिट, लाइबिलिटी क्रेडिट, कैपिटल क्रेडिट, इट मीन्स बी इज योर राइट आंसर। इफ द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट इज मोर देन द टोटल ऑफ इट्स डेबिट साइड, अब कौन सी साइड बड़ी है, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ अकाउंट इज मोर देन, क्रेडिट बड़ा है डेबिट से तो क्रेडिट बैलेंस ही निकलेगा। इन केस ऑफ क्रेडिट बैलेंस, अब हमें क्या दिया गया है, क्रेडिट बैलेंस है, द वर्ड बैलेंस कैरी डाउन और रिकॉर्डेड इन द पर्टिकुलर कॉलम ऑफ एन अकाउंट। बैलेंस कैरी डाउन क्रेडिट बैलेंस है, द वर्ड बैलेंस कैरी डाउन और रिकॉर्डेड कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड, ऑब्वियस ही बात है बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट। लिखना क्या है, कैरी डाउन, ध्यान दीजिए, बैलेंस कौन सा है, क्रेडिट बैलेंस, इट मीन्स क्रेडिट साइड बड़ी होगी। लेकिन जब कैरी डाउन निकालने की बारी आएगी तो कैरी डाउन तो डेबिट साइड पे लिखा जाएगा ना, दैट मीन्स ऑन द डेबिट साइड, क्रेडिट बैलेंस है लिखा ऑपोजिट साइड जाएगा, मीन्स डेबिट साइड पे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ लेजर इज, लेजर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, लेजर का मेन ऑब्जेक्टिव होता है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, कि मतलब एक अकाउंट की जितनी भी ट्रांजेक्शन है एक खाते में डाली जाए। तो फाइनेंशियल पोजिशन का तो कोई मैटर ही नहीं है, फाइनेंशियल पोजिशन का काम होता है बैलेंस शीट का, प्रॉफिट एंड लॉस
प्रॉफिट एंड लॉस ट्रेडिंग अकाउंट का काम है, एसरटेन द कलेक्टिव इफेक्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन पर्टेनिंग टू अ पर्टिकुलर अकाउंट। इट मीन्स एक अकाउंट की ट्रांजेक्शंस को कलेक्टिवली एक जगह पर रखना इज नोन एज लेजर। सी इज योर राइट आंसर। डेटर और क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस ये कोई मैटर नहीं है, क्योंकि डेटर और क्रेडिटर के लिए हम लेजर में एक खाते अलग से बनाते हैं। द वर्ड्स टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आर रिकॉर्डेड इन द पर्टिकुलर कॉलम एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग ऑफ बैलेंसिंग ऑफ द अकाउंट। देखिए बैलेंस ब्रॉट डाउन बात कर रहा है, बैलेंस ब्रॉट डाउन कब डालते हैं हम, ओपनिंग एंट्रीज में, तो ओपनिंग बैलेंसेज ऑफ द अकाउंट। बैलेंस कैरी डाउन की बात करता है, और बैलेंस दोनों टू और बाय, डेबिट हो चाहे क्रेडिट हो, और रिकॉर्डिंग द पर्टिकुलर एट द टाइम ऑफ राइटिंग द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द अकाउंट। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ द अकाउंट लिखने के लिए इसको मेंशन किया जाता है, या ओपनिंग एंट्री के टाइम पर। देखिए कैरी डाउन तो आएगा नहीं ना ओपनिंग के केस में, कैरी फॉरवर्ड द बैलेंस ऑफ द अकाउंट, जब कैरी फॉरवर्ड करना होगा तो सी एफ लिखा जाता है यहाँ पर, टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, टू बैलेंस कैरिड फॉरवर्ड, इस तरह से लिखा जाता है, डाउन नहीं लिखा जाता। कैरिड डाउन का तो एक ही मीनिंग है, हम क्लोजिंग कर रहे हैं ऑफ द अकाउंट्स, लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं दे रखा था, नन ऑफ दीज इज द बेस्ट ऑप्शन। बट आंसर में हमने मैंशन किया था यहाँ पे कैरिड फॉरवर्ड एंड बैलेंसेज ऑफ द कैरिड फॉरवर्ड द बैलेंस ऑफ द अकाउंट्स। तो आप क्वेश्चन में देख लीजिए कि आप यहाँ पर इसको फॉरवर्ड बना लीजिए, सर कैरी डाउन की जगह कैरी फॉरवर्ड कर लीजिए, दैट इज योर राइट आंसर। ऑन बैलेंसिंग एन अकाउंट विच हैज़ अ डेबिट बैलेंस द वर्ड बाय बैलेंस कैरी डाउन और रिकॉर्डिंग द पर्टिकुलर कॉलम ऑफ द अकाउंट। ऑन बैलेंसिंग एन अकाउंट विच हैज़ अ डेबिट बैलेंस, डेफिनेट डेबिट बैलेंस होगा, द वर्ड बाय बैलेंस कैरी डाउन और रिकॉर्डिंग इन द पर्टिकुलर कॉलम ऑफ द, देखिए बाय है तो कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट साइड ही आएगा, बी इज योर राइट आंसर। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन हैज़ बिन ड्यूली रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, द पोस्टिंग इन मोहन अकाउंट इन द लेजर विल बी, एंट्री पास कीजिए ना, कैश रिसीव की तो कैश अकाउंट क्या होगा डेबिट, और मोहन अकाउंट क्या होगा क्रेडिट। अब यहाँ क्या पूछता है, द पोस्टिंग इन मोहन अकाउंट इन द लेजर विल बी, मोहन के खाते में क्या करेंगे, मोहन क्रेडिट हो रहा तो क्रेडिट साइड पर एंट्री जाएगी, और क्रेडिट साइड पर कैसे लिखते हो, बाय ऑपोजिट अकाउंट मीन्स कैश अकाउंट, तो बाय कैश अकाउंट कौन सी साइड पर, क्रेडिट साइड पर, तो बाय कैश अकाउंट ऑन क्रेडिट साइड, बी इज योर राइट आंसर। द डेबिट बैलेंस ऑफ द पर्सनल अकाउंट रिप्रेजेंट, पर्सनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस क्या मतलब करता है, मेरा एसेट है, डेबिट मतलब एसेट, मतलब एसेट तो पैसे लेने हैं, एसेट लेने हैं तो अमाउंट रिसीवेबल है, आंसर इज योर सी। थैंक यू सो मच, ये लेजर के हमारे 45 क्वेश्चंस थे, वो हमने सारे के सारे डिस्कस किए हैं।